कानपुर में बाढ़ से डूबे कई गांव। रविवार को गंगा का पानी 113.090 मीटर रहा। गंगा कटरी के भोपालपुरा, चैनपुरवा, बनियापुरवा, भारतपुरवा, गोपालपुर, भगवान दीनपुरवा गांवों में बाढ़ का पानी। 24 घंटे सभी गांव प्रशासन की निगरानी में। गंगा बैराज के रोड के किनारे पुरुषों और जानवरों के लिए की गई टेंट की व्यवस्था। पीड़ितों को रोज उपलब्ध कराया जा रहा है भोजन। सीएमओ द्वारा मेडिकल कैंप लगाकर की जा रही है जांच। पीड़ित परिवारों के पशुओं की भी नियमित जांच की जा रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। घर में नहीं पहुंचा है, खेतों में पहुंचा है। खेतों में पहुंचा है तो आप लोग बाहर किस लिए यहाँ पे है? जानवर वहाँ जानवर बांधने की जगह नहीं है। अच्छा, इसलिए यहाँ पर है। तो आपका भी यही वजह है? यही वजह। एक ही घर से है क्या दोनों लोग? नहीं, अगल अगल है। दूर है सब, सामने खेत है, सामने जलकुंभी की वजह से नाव नहीं आ पाती। तो क्या करें, इसे घूम के सब जानवर यहीं तक का बांधे। इतने जानवर आ गए हैं कि बांधे की जगह नहीं है। गांव से बना के लाते हैं, वहीं से बना के लाते हैं। अभी मतलब ऐसी स्थिति है वहाँ पे कि कहीं खाना ना बन सकता है। थोड़ा बाड़ी है ऐसे, पानी वानी के पानी भरा है। श्री गंगा वैली होटल है विठूर, वहाँ के मालिक करवा रहे हैं। मैं लेके आता हूँ। आप लेके आते हैं वही मालिक करवा जी। दीपक खेमका जी का योगदान है इसमें। दीपक खेमका जी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं और बेटा एक है यहाँ पे, उनके साथ में है। और ये टेंट, टेंट क्या आप जैसे तिरपाल लगा के यहाँ पर लोग हैं। तो देखिए यहाँ पर भी जो प्रशासन ने कहा था कि आप जो भी जिनके घरों में पानी है, जिन गाँव में पानी है, वो गंगा बैराज के किनारे किनारे आके रह ले। तो कुछ लोग तो परिवार सहित रह रहे हैं, कुछ अपने जानवरों को यहाँ पर बचाना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे वो जानवर बनते हुए, आगे भी देख लीजिए जो वो तिरपाल लगा है, उधर वो भैंस है, और इधर भी दिखे हो तो इधर भी ये जानवर है सारे के सारे। तो दादा लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा रामलाल। तो कितने दिन से पानी भरा आपके यहाँ? यहाँ कम से कम महीना भर हो गए भरे हुए। कौन सा गाँव है आपका? परमियापुर। आप कहाँ के रहने वाले दादा? वही परमियापुर। वही के पानी क्या पूरे घरों में पहुंच गया है? घर में नहीं पहुंचा है, खेतों में पहुंचा है। खेतों में पहुंचा है। तो आप लोग बाहर किस लिए यहाँ पे है? जानवर वहाँ जानवर बांधने की जगह नहीं है। अच्छा, इसलिए यहाँ पर है। तो आपका भी यही वजह है? यही वजह। एक ही घर से है क्या दोनों लोग? नहीं, अगल अगल है। आप ही के जानवर है? आने जाने का क्या रास्ता है वहाँ? रास्ता ये देखो, सब पानी भरा इधर रास्ता में। जलकुंभी है इधर से पूरा, ये जलकुंभी, और इधर से एक रास्ता है, ये दिखेगा आप लोगों को, दिख जाएगा। ये जहाँ से देखिए वो लोग जा रहे हैं, ये रास्ता है। मझा के जाना पड़ता है क्या? जाना पड़ता है। कितने कितने तक है पानी लगभग? गांठिन तक। गांठिन तक है। हाँ। बाकी लोग कैसे आ जा रहे हैं? सब ऐसे आ जा रहे हैं, कहीं है। ये छोटा बच्चा है, और भी बच्चे इसी तरह गाँव में होंगे, फंसे होंगे। अब ये बच्चा घर से मुहन से बुलवाया है ऊपर से। हाँ, तो यही आया है, यही खेलता है। आप लोग यही सो रहे हैं? हाँ, यही सो रहे हैं। कुछ खाना वाना मिल रहा है तो बाहर से कि नहीं मिल रहा है? तिरपाल विरपाल सुना है सरकार दे रही, आप लोगों को दिया? घर से मंगाया है, यही देखो टंगा है। खाना यही टंगा है। तो बाकी लोग घर में कैसे रह रहे हैं? सब बाकी लोग ऐसे रह रहे हैं जैसे पुराने रहते हैं। जैसे पुराने रहते वैसे रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, और क्या है। ठीक है, तो ये एक लोगों की परिवार की स्थिति है। अभी हम और लोगों से भी आपको मिलाते चलते। हमारे साथ एक और परिवार है जो कि गंगा बैराज की रोड के साइड में अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? राम नारायण। कौन से गांव से हैं आप? बनियापुरवा। बनियापुरवा। कितने दिन से आप लोग इस तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे? अरे अब पड़े हैं यहाँ पर, यहाँ पानी भर गया है तो यहाँ पड़े हम लोग। पूरे घर में पानी है? पूरे गांव में? गांव पूरे गांव में। सभी लोग कहाँ है? आगे है सब, और लोग भी, और इधर तो सब मेला लगा है आगे। ये स्थिति है जहाँ जहाँ हम लोग है, इसे लेकिन जगह सब ऊपर है। तो कैसे गुजर बसर कर रहा है यहाँ पे? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे, है तो बारिश का मौसम भी चल रहा है। बारिश भी होती होगी? बारिश होती है, कहा थोड़ी थोड़ी पन्नी ढीले हैं। अब क्या, जब बारिश होती तो फिर भीजने पड़ता है। कितने दिन से? चार पांच दिन से। पांच छह दिन होगी। अक्सर ये समस्या होती है यहाँ पे? यहाँ होती है, जब बाढ़ आ जाती है तब होती है, नहीं तो नहीं। तो ऐसा कितने साल से हो रहा है लगभग? कुछ लोग बता रहे 3 साल से लगातार ऐसा हो रहा है। लगातार तो नहीं, आज हुई है 2-3 साल। 2-3 साल से लगातार हो रहा है? लगातार नहीं है। हाँ। आ जाता है इसे, फिर
घट जाता है। प्रशासन कोई मदद कर रहा है आप लोग? नहीं, वो आगे और उधर है तो उधर आते हैं अधिकारी लोग, उधर हम लोग। तो आप लोग भी उधर ही रहो, यहाँ दूर क्यों बैठे हो? अरे अब हम लोग दूर है सब, सामने खेत है, सामने इसे जलकुंभी की वजह से नाव नहीं आ पाती। तो क्या करें, इसे घूम के सब जानवर हिरन तक का बांधे, इतने जानवर आ गए हैं कि बांधे की जगह नहीं। आप लोग कैसे जीवन कर रहे हैं? अरे बोलो तो। कैसे कहाँ नाना कहाँ पे बना रही है तो बताइए, कहाँ पे खाना बना रही है, कैसे गांव से बना के ला रही है? गांव से बना के लाते हैं, वही से बना के लाते हैं। अभी मतलब ऐसी स्थिति है वहाँ पे कि कहीं खाना ना बन सकता है? थोड़ा बाड़ी है, ऐसे पानी वानी पे है। अच्छा, छत पे खाना बनता है। कोई प्रशासन नहीं कर रहा, दवा वा कुछ बट रही है कि नहीं? क्योंकि ऐसे पानी निकलेगा इसके बाद स्वास्थ्य की बड़ी समस्या हो जाएगी वहाँ। दवा वा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बट रहा। आज एक दिन जानवर के लिए कि कोई बीमार बीमार तो नहीं, तुम कहा बीमार तो बिना ही, जब बीमार हो तब कुछ बताना। प्रशासन कह रहा है कि लंच पैकेट या खाने आना भी मिल रहा है, कई लोग बता रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ मिल रहा है? खाना ना आते हैं, दे जाते हैं कोनो कोनो, हाँ दे जाते हैं। जैसे एक टाइम जैसे अभी आए थे, खाना खा के बैठे थे तो आए थे, एक एक पैकेट ये बांट गए। ये एक ये प्रशासन की तरफ से मिला, अगर चार लोग हैं तो ये चार पूरी है और सब्जी है, छोटी छोटी पूड़ियां हैं, हालांकि ये आप देख सकते हैं, ये प्रशासन की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है। स्थिति बहुत गंभीर है, 6-7-8 गांव लगभग इस बाढ़ की चपेट में है। दिखाता हूँ अभी और लोगों से आपको मिलाता हूँ। 4-5 दिन से है, प्रशासन कुछ कह नहीं रहा, कितने दिन में खत्म होगा? प्रशासन कहाँ कुछ कह रहा, महीनों का जो सोचे मंझा रही, सारी खेती नष्ट नष्ट खेती हुई गया, 16 बीघा बह रहे हैं। क्या था आपका? मेरी थी बदली थी सोधला, बदली को फूट हम लोग फूट जानते हैं। अच्छा, लुबिया थी, मुरी बैठे, बैंगन वैंगन। तो बेसिकली यही खेती करते हैं कि और भी कुछ करते हैं? खेती ही करते हैं सब कुछ, आप पूरा परिवार खेती पे आश्रित था? हाँ, सब खत्म, सब खत्म बिल्कुल चौपट। देखिए, जब राहत का कार्य हो रहा होता है और इस तरीके की परिस्थितियाँ हो जाती हैं तो बहुत से ऐसे समाज के लोग आते हैं जो निकल के बाहर आते हैं और मदद के लिए आते हैं, क्योंकि हो सकता है कभी पूरा प्रशासन हम सारा कुछ झोंकने के बाद भी उस तरह की सामान्य व्यवस्था नहीं कर पाती है जो कि वहाँ के लोगों को चाहिए। हमारे साथ एक भाई साहब है, इनको मैंने देखा कि जो पूरा पूरा बिस्किट के पूरे पैकेट्स हैं ये अभी बटवाने के लिए लाए हैं और लगातार मेरे ख्याल से 3 या 4 दिन से लोगों को खाना मुहैया कर। क्या नाम है आपका? अरविंद प्रताप सिंह। अरविंद प्रताप जी, आप लगातार खाना और ये से लगातार कर रहे हैं, सुबह का लंच जो है 200-300 पैकेट बांट रहे हैं। कोई संस्था है आपकी या कोई फर्म है? ये श्री गंगा वैली होटल है विठूर, वहाँ के मालिक करवा रहे हैं, मैं लेके आता हूँ। आप लेके आते हैं, वही मालिक करवा जी। दीपक खेमका जी का योगदान है इसमें। दीपक खेमका जी, उनका क्या कहना है कि जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो जाती हैं तब तक आप लगातार वहां पर जनसेवा करते रहे? जी जी जी, हम यही देखने आए थे, लोगों ने कहा आज कुछ भीड़ कम है तो इस वजह से देखने आए, कल बांट सकते हैं कि नहीं, तो भीड़ कम नहीं है तो बांटने फिर आना पड़ेगा। क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं? कि एक बार बांट रहे हैं कि दिन में 3-4 बार के लिए आते हैं, या किसी एक ही जगह जा रहे हैं या कई गाँव जा रहे हैं? नहीं, मैं अभी जितनी ये झोपड़ियाँ लगी हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी ये झोपड़ियाँ लगे हैं, जितने भी लोग हैं, सबको पूरा लंच प्रोवाइड कराते हैं, सुबह का नाश्ता। आज से ये बिस्कुट के पैकेट देने चालू किए हैं, अगर रहा तो रोज बिस्कुट के पैकेट देते रहेंगे, 10-10 गत्ते बस। अच्छा ठीक है, और यही इस रोड पे केवल कर रहे हैं ना अभी? तो इसी ठीक है, बहुत बहुत पुण्य का काम है जो आप कर रहे हैं, लोगों की मदद करना बहुत अच्छी काम है। और मैंने पहले ही कहा कि बहुत से स्वयंसेवी संस्थान आगे आते हैं इस तरह की मदद करने के, तो एक लोग हैं जो हमें मिले हैं आज, ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो शायद ऐसे कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस तरीके की मदद कर रहे हैं लोगों की।